नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइस। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कुछ बच्चों ने वंडर शूज बनाकर कमाल कर दिखाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वंडर शूज है क्या, तो हम आपको बता दें कि ये ऐसा शूज है जो कड़ाके की ठंड में भी बैटरी की मदद से पैरों को गर्म करता है, साथ ही आगे आने वाले खतरों से हमें अलर्ट करता है, जिसको बनाने में लगभग 1200 रुपए का खर्च आया है। इस वंडर शूज का निर्माण स्वामी विवेकानंद एकेडमी में पढ़ने वाले नवी के चार मित्रों ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए किया है। इस वंडर शूज को बनाने का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्हें ऊनी वस्त्र पहनने के बावजूद पैर में ठंड लग रही थी। घर जाने पर उन्होंने जूता उतारा तो ठंड के कारण पैर की चमड़ी सिकुड़ी हुई थी। सोचा कि मैदान क्षेत्र में जब यह हाल है तो बर्फ के ऊपर पहाड़ी चोटी वाले सीमाओं पर तैनात जवानों का क्या हाल होगा। -30-40 डिग्री सेल्सियस में आखिर वो कैसे ड्यूटी करते होंगे, जिसके बाद अब उनकी मेहनत रंग लाई है। मेरा नाम सुजय चक्रवर्ती है। ये बच्चे आपके कुछ सूज तैयार किए हैं, क्या है सूज का काम? देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जाड़े के दिन में हम लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, स्वेटर, विंडशीटर, कोट, जैकेट, लेकिन पैर को ठंडा रखने के लिए जूता और मोजा के अलावा कुछ होता नहीं। तो बच्चों ने सोचा कि जो है हमारे जो सैनिक है, जो कि ऑल्टीट्यूड पे काम करते हैं, पहाड़ों पे काम करते हैं, जैसे सियाचिन है जहाँ -20 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस कॉन्सेप्ट को सोच के ये जूता को डिज़ाइन किया गया है कि ये जूता हमेशा जो है 20-22 डिग्री में गर्म रहेगा, तो पैर में कभी भी फ्रॉस्ट नहीं होगा। मेरा नाम विनायक राज है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। कौन से स्कूल के? स्वामी विवेकानंद एकेडमी। ये कहाँ से आइडिया आया, कितने लागत लगी और कैसे बनाया आपने? कुछ महीनों पहले ठंडी के मौसम में जब मैं और हमारे कुछ मित्र इस विद्यालय को आ रहे थे, तब हमारे पैर इतने ठंड पड़ गए, तो हम लोगों ने सोचा कि जब इतनी सी ठंड में हमारे पैर इतने ज़्यादा सिकुड़ जा रहे हैं तो सीमा पर तैनात जवान हमारे उनका क्या हाल हो रहा होगा। फिर हमने कई दिन इस पर सोचा विचारा और अपने विद्यालय के सब्जेक्टिव टीचर से बात की, तो उन्होंने इसको बनाने में हमारी काफ़ी मदद की। इसमें स्कूल का बहुत बड़ा सहयोग है, उनके बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता। इसमें कुल बनाने का लागत करीबन 1200 रुपये आया है, इसमें 3 दिन की समय लगी है। तभी क्या आगे इसमें क्या करेंगे आप लोग? ये हमारा एक मैनुअल टाइप है, इसमें आगे हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेंसर्स वगैरह, ताकि जवानों के पैरों के आगे आने लैंडमाइंस वगैरह और ऑटोमेटिक बॉम्ब से उन्हें बचा सके। जी, मेरा नाम ऋषिकांत उपाध्याय है। किस क्लास के बच्चे हैं और क्या बनाए, क्या मिलेगा इससे फ़ायदा? ये कक्षा 9वीं के छात्र हैं और इन्होंने एक खास तरह के जूते बनाए हैं, जिनका नाम इन्होंने वंडर शूज़ दिया है। और ये जूते अपने आप में वंडर इस तरीके से है कि ये ठंड के मौसम में हमारे पैरों को गर्म रख सकते हैं, और इसकी मदद ख़ास तौर पर हमारे जवानों को मिलेगी जो कि सीमावर्ती स्थानों में रहते हैं, और वहाँ पर जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उनके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, वो इच्छा अनुसार अपने पैरों को गर्म रख सकते हैं। और भी जो ठंडी जगह हैं जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं या जो भी है जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, महसूस होती है, उन लोगों के लिए ये मददगार है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज़।